बताओ के फोर एफ ई सी एन सिक्स, इसकी सारी डिटेल्स बतानी है। अच्छा तुम में से कोई भी ऐसा जिसने आंसर निकाल लिया है, कोई भी ऐसा जिसने आंसर निकाल लिया है, लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आंसर निकल गया होगा। ये कनेश, बॉबी, जानवी, चलो फिर मैं ये क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहा हूँ। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, मैंने तुम्हें बताया 90% चांसेस इसी से है क्वेश्चन में, कोई भी एंट्रेंस हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे सबसे अलग क्वेश्चन आएगा। देखो सर मैंने बोला इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, अगर तुम सोचोगे 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स आ गया प्लस 2, यानी आयरन प्लस 2 हो गया, आयरन प्लस 2 मतलब आर्गन 3d6, पूरा कंसंट्रेशन 21 टू 30 की कंसंट्रेशन रटी होनी चाहिए, प्लस 2 है, प्लस 2 है तो 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, 3d के नहीं निकलेंगे, 4s के दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये आएगा आर्गन 3d6। तो यहां अगर तुम 3d6 करोगे तो इसमें देखोगे तो आएगा किसके पास, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। आंसर भी हर कोई यही मार्क करता जा रहा था, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू हो गया अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन्स, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 2 रूट 24 bm, रूट 24 bm आएगा, रूट 24 bm ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या आएगा, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, इसकी जीरो आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट। अब वही डिटेल बताने के लिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, जीरो आएगी इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में जीरो मार्क करना है, रूट 24 गलत है, ये क्यों गलत है मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें भी। आप देखो के फोर एफ ई सी एन सिक्स, ये है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है। देखो फोर प्लस आयरन की स्टेट यहाँ प्लस 2 आ गई है, आर्गन 3d6 आ गया, नाउ आयरन 2 प्लस इन ग्राउंड स्टेट, बहुत तरीके से देखना, पहले स्टेट निकाली मैंने, ग्राउंड स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन होगी ये, फिर 4s, फिर 4p, अगर 4d की जरूरत होगी तो मैं 4d भी लूंगा, ये 3d है, इसके आगे 4s, ये 4p। अब देखो जन पहले सिंपली इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4 5 भर दिए। अब दिमाग में ये रखना है हमेशा के लिए, कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, कार्बन डोनर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हैलोजन्स हो गया या ऑक्सीजन डोनर हो गया ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और ऑक्सीजन, हैलोजन्स, फॉस्फोरस ये क्या है, सल्फर, ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लाइन ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो सेंट्रल एटम जो आयरन इस केस में, जो आयरन इस केस में ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आयरन 2 प्लस के पास जो साइनाइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये सेंट्रल एटम के पास आने की कोशिश करेगा, पास आने की कोशिश करेगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको दिखेंगे, आयरन 2 प्लस आर्गन 3d6 है ये इलेक्ट्रॉन, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये पेयर अप कर देगा, उनको ये पेयर अप कर देगा, क्योंकि इसमें साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर है ना, कार्बन डोनर हो नाइट्रोजन डोनर हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में काउंट होते हैं, वो बैक पेयरिंग कर देंगे, बैक पेयरिंग कर देंगे। तुम ऐसे दिमाग में रख लो, अभी हैलोजन्स और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, इससे भी काम चल जाएगा, हैलोजन्स और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, नहीं तो ये डिटेल है इससे याद रखना, और अभी मैं तुम्हें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा उसको याद करना तुम, हैलोजन्स और वाटर स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर हो या नाइट्रोजन डोनर हो लिगेंड के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है वो सेंट्रल एटम के यानी आयरन के पास आने की कोशिश करेगा, पास आने की कोशिश करेगा तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है साइनाइड पास आने की कोशिश करेगा, पास आने की कोशिश करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा, जिसकी वजह इसे हम कहते हैं बैक पेयरिंग हो गई। तो अभी ग्राउंड स्टेट में अगर वीक फील्डिंग होता, अगर वीक फील्डिंग होता तो बस जो लिखा है मैंने यही रहता, यही रहता, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, छह साइनाइड आयन है,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता, और फिर 4D भी लेना पड़ता, यहाँ आता और यहाँ आता, और हाइब्रिडेशन आती, छह जगह आएंगे ना, क्योंकि छह साइनाइड आए हैं, छह जगह इलेक्ट्रॉन दे देंगे और आंसर आ जाता sp3d2। आंसर क्या आ जाता? sp3d2। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है एक लाइन तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो बैक पेयरिंग करेगा, वो बैक पेयरिंग करेगा इस तरीके से, आयरन 2+ इन आफ्टर बैक पेयरिंग लिख दे रहा, ये बैक पेयरिंग करेगा इस तरीके से। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें ऊपर वाली लाइन शो नहीं करनी है। देखो हाइब्रिडेशन मेरे को पता है, यहाँ पे छह कोऑर्डिनेशन नंबर है, छह कोऑर्डिनेशन नंबर आंसर आएगा sp3d2 या d2sp3, sp3d2 या d2sp3। तो ये बैक पेयरिंग कर देगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्या कर देगा? बैक पेयरिंग। और d2 है ना, अगर तुम ये सीख लेते हो तो ऊपर ये वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, d2 है ना, तो लास्ट के दो को ऐसे कर दो, यानी ये इन दोनों की एनर्जी कम, इन दोनों की एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, इन दोनों की एनर्जी कम जो T2G है, और EG की एनर्जी ज्यादा। मैंने थोड़ा सा ये तुम्हें बताया था कहाँ पे, ये मैंने तुम्हें बताया था DNF ब्लॉक में, DNF ब्लॉक में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ ये। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट करना तुम्हें बैक पेयरिंग कर, यहाँ पे एक एक दो तीन चार पांच छह, बस ये कम एनर्जी वाले हैं, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फेल होंगे, देन वी एंटर इनटू दिस हायर एनर्जी ऑर्बिटल, देन वी एंटर इनटू दिस हायर एनर्जी ऑर्बिटल। समझ गए कि नहीं? ये T2G मानना, इसको EG मान। यहां तक पहले चक्करों कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं आता? मानव, नयंत, किसी को डाउट तो नहीं है? देखो ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, आगे फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। आर्यन सर आ गया समझ। अच्छा अब आगे क्या होगा? देखो इसमें, अब इसमें आगे जब ये मैंने फिल कर, ध्यान रखना ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, दो जो है ना लास्ट में ये हायर एनर्जी लेवल है, ये एक्चुअल में हायर एनर्जी लेवल में ईजी के अंदर dx2y2 और dz2 है, और ये तीन जो है ना ये dxy dyz dxz। अब देखो इसके, ये हटा दिया मैंने यहां से, ये एस, ये तो आंसर आ गया d2sp3। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा साइनाइड आयन, यहां देगा इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन देगा, छह साइनाइड आयन है, छह जगह इलेक्ट्रॉन देंगे, ये छह जगह इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो आंसर आ गया d2sp3, तो आंसर आ गया d2sp3। बहुत ध्यान समझ रहे ना पहले क्वेश्चन को, अगर ये k4fe f6 होता था, सपोज fe f6, तो इस केस में कोई बैक पेयरिंग नहीं होती, कोई बैक पेयरिंग, ये वाला केस ना आता, फिर ऊपर से ही आंसर निकालते हैं हम। 4s में दो इलेक्ट्रॉन देगा फ्लोरीन, यहाँ देगा दो, दो यहाँ, दो यहाँ,
और फिर 4D भी लेना पड़ेगा, दो यहाँ और दो यहाँ, तो आंसर आता है sp3d2। आउटर डी ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं 4D वाले, आउटर डी ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं 4D वाले, इस केस में इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कल बताया मैंने, इसे बोलेंगे हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि बैक पेयरिंग हो गई है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि बैक पेयरिंग हो गई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें बैक पेयरिंग हो गई, तो इसलिए ये ध्यान रखना इस चीज का, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये तीन बड़े, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी, जीरो, क्यों, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन की वैल्यू क्या हो गई इधर, जीरो, अंडर रूट में एन इंटू एन प्लस टू फॉर्मला होता है बोर मैग्नेटॉन, म्यू क्या होता है अंडर रूट में एन इंटू एन प्लस टू, अभी पीछे लिखा है मैंने, बोर मैग्नेटॉन्स, एन की वैल्यू जीरो पुट करो तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो पीएम, इसीलिए आंसर मैंने बोला जीरो आएगा, और शेप क्या होगी इसकी, ये हाइब्रिडेशन डी टू एसपी थ्री है, ऑक्टेड्रल शेप, सारी डिटेल पता होनी चाहिए, ध्यान रखना चीज का, ये एफिसियन सिक्स, फोर के प्लस चाहे तो पहले दिखा दो, नहीं तो फोर नेगेटिव, तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर पूछ सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है, हाइब्रिडेशन पूछ सकता है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं, वीबीटी से, ये मैंने किया है वीबीटी से भी, एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया, जल्दी से, बॉबी, छवि, आर्यन, नयन, गणेश, अर्णव, आर्यमन, युविका, मानव, डाउट है तो पूछ लो, नित्या, हिमांशु, अभी भी तीन चार बच्चे रह रहे हैं, युविका, देव, देव ने लेट ज्वाइन किया है, युविका समझ आया कि नहीं, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये डी ऑर्बिटल्स है पांच, पांच है, पहले इन सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ती है, ये पांचों की एनर्जी बढ़ गई, उसके बाद ये स्प्लिट होते हैं, क्यों स्प्लिट होते हैं डिटेल में बाद में दूंगा, अभी तुम्हें याद रखना है कि ये स्प्लिट होंगे दो में, अब ये दो में स्प्लिट होंगे, एक हायर एनर्जी लेवल ईजी जिसमें ऑर्बिटल्स होंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसको थोड़ा पीछे दिखाते हैं नहीं तो समझने में दिक्कत आएगी, ये दो ईजी और लोअर एनर्जी लेवल ये T2G, लोअर एनर्जी लेवल ये है ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड एनर्जी ग्राउंड स्टेट कह लो, ये एवरेज एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी, इसको हम बैरी सेंटर भी कहते हैं, एवरेज एनर्जी बैरी सेंटर भी कहते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ ऊपर से यहाँ पे डिफरेंस है 0.6 डेल्टा ओ, ओ यहाँ पे ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है 0.6 डेल्टा ओ, नीचे जो डिफरेंस है नेगेटिव में -0.4 डेल्टा ओ, टोटल डिफरेंस जो है ये है यहाँ पे डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर नोट कर लिया तक सारा, और डेल्टा ओ को ध्यान रखना, डेल्टा ओ को डी क्यू भी कहते हैं, डेका क्वांटम 10 DQ, डेल्टा ओ को 10 डेका क्वांटम, डेल्टा ओ 10 डेका क्वांटम, यानी ये जो है ये 6 DQ भी हो सकता है,
और नीचे माइनस पॉइंट फोर डेल्टा हो, फोर डी क्यू भी हो सकता है नेगेटिव में, माइनस फोर डी क्यू, ये आ गया। अब मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने हैं, छह इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और लीगेंड था स्ट्रॉन्ग, जब लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा फॉर SFL, डेल्टा ओ ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा, ये वाली वैल्यू जब ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे, पहले पहले ये पूरा भरा जाएगा फिर ऊपर जाएंगे, अगर SFL है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा ओ अगर ज्यादा है देन पेयरिंग एनर्जी, देन पेयरिंग एनर्जी ये कब होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल ऑर्बिटल, पेयरिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ये क्या है पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल ऑर्बिटल, पेयरिंग एनर्जी। अब डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, इसका मतलब छह के छह इलेक्ट्रॉन नीचे भर जाएंगे, पहले एक दो तीन चार पांच और ये छह, छह भरेगा नीचे। अब ऊपर यहां ध्यान देंगे, D2 है ही यहां पे, फिर एक 4s, फिर 4p, D2sp3 हाइब्रिडेशन यहां से आ गया, D2sp3 हाइब्रिडेशन, ये CFT से निकाला हमने, हालांकि CFT ऐसे हाइब्रिडेशन निकालना नहीं सिखाती है क्योंकि ये बॉन्ड्स को आयनिक अज्यूम करती है। तरीका बता दिया है कि पीछे क्यों बैक पेयरिंग हुई थी, स्टार्टिंग के तीन पहले क्यों भरे गए थे जब SFL है, क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं, सही ना। अब एक तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा, अब अगर मैंने तुम्हें कहा टोटल सीएफएसी वैल्यू निकालो, निकालोगे क्या, टोटल सीएफएसी वैल्यू कितनी आएगी, छह इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ओ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ओ, छह इलेक्ट्रॉन नीचे है तो माइनस टू पॉइंट फोर डेल्टा ओ, माइनस टू पॉइंट फोर डेल्टा ओ, ये आएगा माइनस टू पॉइंट फोर डेल्टा ओ, जिसमें से दो को मैंने पेयर करवाया है जबरदस्ती, छह थे ना तो ये ऐसे थे, छह एक दो तीन चार पांच छह, तो मैंने दो की बैक पेयरिंग, इसकी बैक पेयरिंग कराई और इसकी बैक पेयरिंग कराई, दो की बैक पेयरिंग जबरदस्ती कराई है, इसलिए प्लस टू पी, प्लस टू पी हो रहा है सब, ट्वाइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी। अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको पूरा समझ आ गया, सीएफटी से मैंने हाइब्रिडेशन जो निकाली है जिसको समझ आ गए, सीएफटी से जो मैंने हाइब्रिडेशन निकाली है, दो दो बार क्वेश्चन जरूर करके देखना, नहीं तो नहीं सीख पाओगे बिल्कुल भी। देखो इसको समझ नहीं आया किसी को भी, छवि को समझ आया, और किसको समझ आ गया, अन्या बॉबी कनिष्क नयन आर्यमन हिमांशु नित्या नव्या, तुम्हें समझ आ गया, नव्या तुमने अभी ज्वाइन किया है, नव्या लेक्चर से किया हुआ क्या, मानव आर्यन जानवी युविका देव को नहीं समझ आया, नव्या यस सर, नव्या तुमने कर रखा है लेक्चर में से, यस सर, चलो कर रखा तो समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर ये तुमने बीच में ज्वाइन किया ना भी समझ नहीं आएगा, फिर दोबारा देखो लेक्चर देखना इसको। ये मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया डिटेल में, सीएफएससी वैल्यू निकालना सीख लिया कि नहीं वाला, ये सीएफएससी वैल्यू कैसे निकाली है, बॉबी यस सर, ये निकालना आ गया सीएफएससी वैल्यू कैसे निकाली है, प्लस टू पी क्यों किया है, यस सर, चलो ये सबको क्लियर है इसका मतलब, तो K4 Fe-CN6 मैंने तुम्हें सिखा दिया, इसमें पूरी डिटेल ली है मैंने, अब तुम एक खुद ट्राई करोगे और इसमें लोगे तुम एक सेम चीज बिल्कुल, K3 Fe-CN6, एक क्वेश्चन मैं ये और डिस्कस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, इसमें तुम्हें क्या क्या निकालना है, इसमें तुम्हें निकालना है हाइब्रिडेशन म्यू स्ट्रक्चर CFSE, और एक चीज और नोट कर लेना पीछे, एक चीज और नोट कर लेना पीछे, एक चीज और लिखेंगे एक चीज और क्या
अगर मैं इसमें पूछता तुमसे डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसमें, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा, तो वो तुम डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन मीन्स सीएफटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए ना टी टू जी में, टी टू जी मतलब ट्रिपली डीजनरेट, ईजी मतलब डबली डीजनरेट, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो उसको लिख देना डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन है टी टू जी 6 ईजी 0। ये समझ आ गया कि नहीं, टी टू जी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो टी टू जी 6 ईजी 0। सही ना, और ये जो 0.6 डेल्टा हो आया है, जो माइनस 0.4 डेल्टा हो आया है, इसको निकालना है तो निकाल भी सकते हो तुम, यहां मानो x नीचे मानो y, तो x माइनस y किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है, ऊपर दो ऑर्बिटल हैं तो 2x, नीचे तीन ऑर्बिटल हैं, टी टू जी में तीन ऑर्बिटल हैं तो प्लस 3y, ये टोटल एनर्जी हो गई। एवरेज एनर्जी कितनी है, जीरो, एनर्जी बिफोर स्प्लिटिंग इज जीरो क्योंकि एवरेज एनर्जी जीरो मानेंगे, एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग इज 2x क्योंकि ऊपर दो ऑर्बिटल हैं नीचे तीन है तो प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना इन दोनों को, x और y की वैल्यू आएगी वो 0.6 डेल्टा हो और माइनस 0.4 डेल्टा होगा, माइनस 0.4 डेल्टा हो, कोई डाउट? चलो अब एक डिस्कस करो, K3 FeCN6 तेरे खाना दे दिए बाप, खाना क्यों नहीं, वो बता तेरे कितनी देर लगी। हाँ, किसी ने कर लिया क्वेश्चन? छवि, कनेश, छवि, नहीं हुआ किसी से भी?
चलो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा। टीचर बच्चों बॉबी आर्यमन मानव और आर्यन, आर्यन हो गया क्वेश्चन खुद ही है सर, हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 आ रही है। हाँ देखो इसके अंदर बहुत डिटेल है, अभी तो मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें काफी डिटेल है। पहले तो साइनेडाइनस में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनेडाइनस में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 3 + x - 6 = 0, x आ गया +3, आयरन +3 है, आयरन +3 है। इसमें बैक पेयरिंग जरूर होगी, ध्यान रखना इसके अंदर बैक पेयरिंग जरूर होगी, क्यों? क्योंकि साइनेडाइन स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3D5 है भी ये, आयरन +3 यानी आर्गन 3D5, ये 3D5, 3D5 फिर 4S फिर 4P और मैग्नेटिक मोमेंट 35 आ रही है। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट आएगी √3, इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी अभी। देखो √5, ये 5 अनपेड आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अनपेड आ गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर वीक होता तो मैं यहाँ तक छोड़ देता, फिर मैं 4S लेता, 4P लेता और 4D लेता। 4S पूरा भरा जाएगा, यहाँ पे साइनेडाइन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे साइनेडाइन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा, और 2D में देगा, क्योंकि 6 साइनेडाइन है तो 6 जगह इलेक्ट्रॉन दे देंगे। sp3d2 आंसर आ जाता। अभी तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए ये कोई भरे नहीं जाएंगे, ये नहीं भरे जाएंगे कुछ भी, ये नहीं भरे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो तुम्हें मैंने कहा था एक स्टेप एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, आयरन 3+ आफ्टर बैक पेयरिंग, बैक पेयरिंग। मैंने तुम्हें कहा था 2D चाहिए, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, तुम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इमीडिएटली 6D2SP3, मतलब 2D को अलग कर देना। इन दोनों की एनर्जी ज्यादा है, इसकी और इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये ईजी है एक्चुअल में, और ये 3 क्या है T2G, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो। अब यहाँ पे 5 भरने हैं, एक मिनट रुकिए, 1, 2, 3, 4 और 5 ये भर दिए। अब 5 भरने के बाद D2 आ गया, S आ गया, P आ गया, 4S है ये 4P है और ये 3D था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा साइनेडाइन, यहाँ देगा साइनेडाइन इलेक्ट्रॉन, यहाँ देगा 3, 4, 5, 6 जगह इलेक्ट्रॉन देगा, ये D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी √3, 1 × 1 + 2, √3 BM, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी √3, और ये शेप आ गई इसकी FeCn, CN, 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 ऑक्टेडल शेप, हर जगह CN आ जाएगा, और थ्री नेगेटिव, ये शेप आ गई। हाइब्रिडाइजेशन बता दी, शेप बता दी, मैग्नेटिक मोमेंट बता दी, 3। इसीलिए मैंने कहा अगर इसमें डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट पूछते ना, हर कोई आयरन 3+ देखेगा, 5 अनपेड है, √35 बोल दिया, गलत हो जाएगा आंसर, √3 BM आएगा इसका आंसर। ये बता दिया मैंने तुम्हें VBT से, सेम क्वेश्चन CFT से कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन CFT से, दो दो बार क्वेश्चन जरूर कर लेना भी ये, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन, क्या पता मैं आज ही प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, प्रैक्टिस कराऊं तो तुम्हें आता हो, बहुत डिटेल में है ये, ध्यान रखना चीज का। देखो उधर ये आया CFT से, ये 5 ऑर्बिटल थे, 5ों की एनर्जी एक साथ बढ़ेगी, ये सब दूंगा डिटेल की क्यों हो रहा है ऐसा। इसमें से 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑक्टेडल की डायग्राम, 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ईजी है, ईजी में आते हैं D2Y² और DZ² 3 की एनर्जी कम हो जाएगी, ये T2G और T2G है, ट्रिपली डी जनरेट, ऊपर डबली डी जनरेट, इसमें DXY, DYZ, DXZ आएंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि ये डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे साइनेडाइन है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर कभी भी आएगा हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन डोनर कभी भी आएगा तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे, पहले ये 3 भरे जाएंगे T2G वाले, 2, 3 तो सिंगली फील्ड रहेंगे, 4, 5। अब यहाँ पे आ गया D2SP3, ये D2 आ गया, ये 4S, ये 4P, तो D2SP3, ये 6 जगह इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन, कितने साइनेडाइन है, 6 साइनेडाइन, तो D2SP3 हाइब्रिडेशन आ गई। आप अगर इसमें डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पूछते हैं, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन वो होगा T2G5 EG0, T2G5 EG0,
सही ना, T2G5 EG0 ये डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, पांचों नीचे भरे गए हैं, इसी को देखकर मैंने यहाँ लाइन डाली है ये वाली। एक बार हैंड सेस करना आप किसको समझ आ गया, दोनों तरीके से सीएफटी से भी और वीबीटी से भी, जल्दी से हैंड सेस कर देंगे एक बार। आन्या, बॉबी, युविका, कनिष्क, छवि, नयन, आर्यमन, मानव, नव्या, आर्यन, हिमांशु, देव, जानवी और नित्या। नित्या, नित्या समझ आ गया, अब देव और जानवी रह गए। नव्या तुम्हें समझ आ गया कि नहीं? नव्या नव्या चलो, मैंने भी तुम्हें ये दो क्वेश्चन yes, कराए ना, ये दो मैं अभी समझ आ गया कि नहीं ये? Yes, sir. चलो ये दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, दो क्वेश्चन मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको, इन दोनों को प्रैक्टिस कर लेना तब मैं आगे कराऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने का आगे। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और ये मैंने तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड है बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी, ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना जरूर। मैं आज ही तुम्हें आगे करवा दूंगा क्वेश्चन रिकॉर्ड जैसे ही टाइम मिलेगा, तो इसे दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जरूर।